उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सभी बस संचालकों एवं आम लोगों से हिमाचल को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने HRTC और प्राइवेट बस संचालकों के साथ बैठक में कहा कि हम सभी व्यवस्था का हिस्सा हैं। ऐसा माहौल बनाने के लिए कि प्रदेश में एक भी हादसा ना हो, इसके लिए सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सभी बस संचालकों एवं आम लोगों से हिमाचल को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बस हादसे न केवल बहुमूल्य जीवन समाप्त कर देते हैं बल्कि विदेश तक में प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने जोर दिया कि हमें पहाड़ों में बस सफर को खतरनाक मानने की धारणा और माहौल नहीं बनने देना है। इसके लिए जरूरी है कि सब अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, यातायात नियमों का पालन करें, लापरवाही और जोखिम भरी ड्राइविंग की प्रवृत्ति छोड़ दें। उपायुक्त ने बस संचालकों से प्रत्येक रूट पर चलने वाली उनकी बस के ड्राइवर की फोटो सहित पूरी जानकारी हफ्ते भर के भीतर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में देने को कहा। हर बस के अंदर और बाहर ड्राइवर की फोटो और पूरी जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी ताकि सवारियों को बस ड्राइवर की पूर्ण जानकारी हो सके। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि बसों में RTO कार्यालय के फोन नंबर भी लिखें, जिससे बस में सफर कर रहे लोग किसी अप्रिय स्थिति की सूचना उन्हें दे सकें। लोगों से भी उन्होंने आग्रह किया कि यदि बस में जिस ड्राइवर का फोटो लगा हो उसके स्थान पर कोई और बस चला रहा हो तो तुरंत RTO कार्यालय के नंबर पर फोन करें। इसके अलावा ड्राइवर नशे में लगे बस चलाते हुए मोबाइल पे बात करे या म्यूजिक सिस्टम चलाता है, बस ओवर स्पीड चलाए, बस में किसी तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों की सुरक्षा चिंतित नजर आए तो इन सभी मामलों की सूचना तुरंत फोन के माध्यम से दें। उन्होंने बस संचालकों से ऐसे रूट की जानकारी भी साझा करने का आग्रह किया जिन पर अक्सर ओवरलोडिंग की समस्या रहती है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु ने यातायात नियमों के पालन पर बल दिया। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि पुलिस के लिए नहीं बल्कि अपनी व जनता की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें। चलान समस्या का कोई हल नहीं है, हल है कानून को ठीक ढंग से पालन करना। बाद RTO साहब की तरफ से एक कुछ ऐसा बड़ा सा एक कागज बनाया जाएगा जो कि आप लैमिनेट करके बस में आपको लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि बस वही आदमी चला रहा है जिसको चलाना चाहिए। अगर एक बस चलाने के लिए आपके पास दो तीन लोग हैं तो आप दो तीन लोगों के फोटो दे दीजिएगा, दो तीन कागज लगा दीजिएगा, पर बस वही चलाएगा जो उसका फोटो उसके हो, क्योंकि अदरवाइज जो बस में सवार हो रहा है उसको पता नहीं है कि ये ड्राइवर जेन्यून है कि नहीं है। आजकल नए नए लड़के भी गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे पता नहीं चलता है। HRTC के भी नए नए लड़के हैं, मैं एक दो बार भी वॉल्वो में चला गया, ऐसा लगा कि ये तो पता नहीं लड़का है भी कि नहीं है। पर वो चीज पता करने के लिए मैं तो HRTC से भी आग्रह करूंगा कि आपके भी जो बसेज में ड्राइवर होंगे उनकी फोटो उसमें होनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि कौन ड्राइवर है कौन बस चला रहा है। तो ये चीज आपको प्रायोरिटी पे इमीडिएट करनी है सभी लोगों को। RTO साहब भी फॉलोअप करेंगे, RTO साहब के साथ कर लेंगे, ये सबसे पहले करना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगले हफ्ते भर में हमारे सभी बसेस में लग जाए कि कौन बस चला रहा है और बाकी जो चीजें आपने फॉलो करनी है वो आपको बता दी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी कृष्ण चंद ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया और सभी बस संचालकों को यातायात नियमों व प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संचालकों से कहा कि ओवरलोडिंग ना करें, जरूरी दस्तावेज के बिना सड़क पर गाड़ी ना दौड़ाएं, अपने रूट और समय के अनुरूप चलें, सवारियों से सरकार द्वारा तय दर पर ही किराया वसूलें और टिकट अवश्य दें। वहीं उन्होंने ड्राइवरों और कंडक्टरों को सवारियों से शालीनता पूर्वक वार्ता करने के प्रति भी प्रशिक्षित करने की बात कही। इस मौके पर बस संचालकों ने सुरक्षित यातायात सेवा के प्रशासन के प्रयास का पूरा सहयोग करने की बात कही। उन्होंने अपने सुझाव व समस्याएं भी रखी, रूट परमिट के संशोधन, सड़कों की स्थिति में सुधार, ड्राइवरों के लिए सरकार की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था इत्यादि की मांग के अलावा ओवरलोडिंग की समस्या से निजात के लिए कम दूरी के सफर पर सवारियों को वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था करने सहित कई अन्य सुझाव भी दिए गए।